हेलो बच्चों कैसे हो आप आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री इसके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है प्लेलिस्ट लिस्ट का जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको सिक्स स्टैंडर्ड के सारे वीडियोज मिल जाएंगे ठीक है तो अभी स्टार्ट करते देखते एक्सरसाइज में आपको क्या दिया हुआ है यहां पे देखो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले आपको क्या दिया हुआ है एंसर दी फॉलोइंग इन वन सेंटेंस पहले क्या है वट इज हिस्ट्री तो इसका आंसर है आपका पेज नंबर वन पर तो पेज नंबर वन पर चलते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका आंसर है क्या है हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर यहाँ तक आपका आंसर है ठीक है ये पहला आंसर हो गया अब सेकंड क्वेश्चन देखो आपको क्या है सेकंड क्वेश्चन है आपको वेयर डू ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्लरिश इसका आंसर है आपका पेज नंबर टू पर तो पेज नंबर टू पर चलते हैं पेज नंबर टू पर आप देखोगे आपका आंसर है यहां पर आपका आंसर स्टार्ट कहां से होगा देखो यहां से क्या रहेगा आपको ह्यूमन सेटलिमेंट ह्यूमन सेटलीमेंट है मीन ऑफ लिविंग आर प्लेटिफुल ठीक है यहां पे आपका ये आंसर हो गया आगे देखते हैं थर्ड में भी आपको क्या दिया हुआ है देखो थर्ड में आपको वॉट डू पीपल इन द दिली रीजन डिपेंड ऑन फॉर देयर फूड इसका आंसर है आपका पेज नंबर वन पर तो पेज नंबर वन पर चलते हैं नंबर वन पर आप देखोगे तो ये आंसर आपका है यहां पर यहां पर देखो आपका आंसर यहां से स्टार्ट होएगा इन हिली रीजन पीपल डिपेंड्स मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड ठीक है आगे देखते हैं अभी आगे आपको क्या है फोर्थ में क्या दिया अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया इसका आंसर आपका पेज नंबर थ्री पर तो पेज नंबर थ्री पर आप देखोगे आपको देखो यहां पर आंसर है हरप्पन सिविलाइजेशन आपको ये लिखना कैसे है मैं आपको बता दू देखो आपको लिखना है हरप्पन सिविलाइजेशन इज द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया ठीक है ऐसे आपको लिखना है सेकंड क्या है देखो सेकंड है आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट इसमें देखो आपको पहला क्वेश्चन क्या है वॉट डज ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन इसका आंसर है आपका पेज नंबर वन पर तो पेज नंबर वन पर चलते हैं यहां पे देखो आपका आंसर है यहां से स्टार्ट होगा आपका ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंड ऑन इट्स जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक यहां तक आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया ठीक है आगे देखते हैं अभी आपको क्या है सेकंड क्या है देखो व्हाट फीचर्स ऑफ अवर सराउंडिंग्स फॉर्म द मींस ऑफ आवर लिवलीहुड इसका आंसर है आपका पेज नंबर टू पर तो पेज नंबर टू पर चलते हैं पेज नंबर टू पर आप देखोगे यहां से देखो आपका आंसर स्टार्ट होगा क्या रहेगा द क्लाइमेट रेनफॉल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्लोरा एंड फोना ऑफ द रीजन वेर वी लिव आर दी सोर्सेज ऑफ आर लिवलीवुड हो गया आंसर है, देखते हैं पेज नंबर फाइव पर चलते हैं देखो पेज नंबर फाइव यही है ऊपर आप जाओगे यहां पे आपका आंसर है क्या रहेगा अफगानिस्तान पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर

उसके आगे आपको लिखना है बिकॉज के आगे बिकॉज लिखने के बाद आपको पेज नंबर वन पर आना है उसके बाद क्या लिखना है यहां से देखो बिकॉज टाइम प्लेस सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द फोर मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री उसके बाद ऑफ दीज फोर कॉम्पोनेंट प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशन इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड ज्योगी आर इनसेपरेबल हिस्ट्री इज इंफ्लुस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशन इन मेनी वेज यहां पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है आगे देखिए अभी आपको फोर थ्री पॉइंट टू में क्या है पीपल आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट्स इसका आंसर है पेज नंबर टू पर लेकिन इससे पहले आपको क्या लिखना है पहले आपको देखो लिखना है पीपल आर फोर्स टू लिव देअर सेटलिमेंट बिकॉज उसके बाद आपको लिखना है बिकॉज के बाद क्या आपको लिखना है समटाइम्स रीजन लाइक डिग्रेडेशन ऑफ द इनवायरमेंट ड्राफ्ट इन्वे एक्सेट्रा लीड टू द स्कैसिटी ऑफ द ऑफ दोज मीन पीपल आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट्स यहां पे आपका ये भी आंसर कंप्लीट होगा ओके अभी देखो आपको फोर्थ में क्या दिया हुआ है फोर्थ में आपको एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द ह्यूमन लाइफ

while in the plains it is available on a large scale that is why grains and vegetables are scarce in hilly areas in comparison people on the plains get them in a sufficient measure yahan pe aapka ye answer complete ho jayega theek hai yahan se leke yahan tak okay आगे भी देखते हैं आगे, आगे आपको क्या दिया हुआ है आगे देखो आपको फिफ्थ क्वेश्चन में ऑब्जर्व फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट आपको देखो मैप देखना है इंडिया का और ये सब क्वेश्चन के आंसर देने हैं पहला क्या देखो विच माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया मतलब कौन सा जो माउंटेन है वो नॉर्थ इंडिया तो नॉर्थ में पड़ता है तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका हिमालय माउंटेन है ठीक है हिमालय माउंटेन तो आप लिख दोगे आंसर में हिमालय माउंटेन सेकेंड क्या है देखो आपको सेकेंड आपको विच आर द रूट्स ऑफ टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट तो ये देखो आप नॉर्थ ईस्ट से देखोगे कौन से रूट है तो यहाँ पे आप देखो आप देखोगे खैबर पास और बोलन पास ये दो है ठीक है देखो मैप में आप ऐसे दिखा सकते हो ये दोनों तो आप आंसर में लिख सकते हो खैबर एंड मोलन बोलन पास ठीक है थर्ड क्या देखो वेयर डू द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मीट जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ पर मिलती है तो आप यहाँ पर देखोगे अगर तो देखो गंगा नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ से देखो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है कहाँ पे आगे मिल रहे हैं बे ऑफ बंगाल में तो आप ऐसे यहां पे दिखा सकते हो और लिख सकते हो आंसर में कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन द बे ऑफ बेंगोल ठीक है फोर्थ क्या देखो नेम द आइलैंड्स टू द ईस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला तो देखो ईस्ट में कौन से आइलैंड है तो वो आपको लिखना है तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के ईस्ट में कौन से आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार तो आप आंसर में लिख सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो ओके फिफ्थ में क्या देखो इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू वी सी द थर्ड डिजर्ट मतलब इंडिया के कौन से पार्ट में हम थार डिजर्ट देखते हैं तो आप आंसर में लिख सकते हो देखो थर्ड डिजर्ट कहाँ पर है यहाँ पर है तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा एरिया पड़ता है तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो आप आंसर में लिख सकते हो राजस्थान हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात ओके okay? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अभी अगले वीडियो में मैं आपको सेकेंड चैप्टर दूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको सेकेंड चैप्टर भी मिले ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू